तो कैसे हैं आप दोस्तों? व्हाट्सएप ने दो मजेदार अपडेट जारी किए हैं जो कि काफी दिनों से ये व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में ही अवेलेबल था, अब ये व्हाट्सएप के स्टेबल वर्जन में भी अवेलेबल हो गया है। अगर ये अपडेट आपको नहीं मिला है तो आप एक बार प्ले स्टोर में जाके अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर दीजिएगा, तो ये फीचर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इन दोनों अपडेट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फीचर इन्होंने ऐड किया है। हाँ, इसके साथ कुछ लिमिटेशन भी है, उस लिमिटेशन के बारे में मैं बताऊंगा कि क्या क्या लिमिटेशन है। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा घंटे का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी इस तरह का मज़ेदार वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें पहला फीचर ये है कि आप अपने व्हाट्सएप जो भी व्हाट्सएप स्टेटस है वो बिना व्हाट्सएप से बाहर निकले आप डायरेक्ट व्हाट्सएप फेसबुक स्टोरी के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ओपन करना होगा और व्हाट्सएप के स्टेटस में जाना होगा। देखिए ये मेरा स्टेटस है, इसको हम स्टेटस को ओपन करेंगे और इसके बाद माय स्टेटस में जाना है और जो थ्री डॉट्स है उसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके जो ऑप्शन अपीयर होंगे ये शेयर टू फेसबुक डायरेक्ट आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए ये ऑप्शन हमारे पास सामने आ जा रहा है और नीचे आ रहा है शेयर टू फेसबुक स्टोरी और नीचे प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए भी इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप अपना जो ये शेयर कर रहे हैं स्टोरी वो कौन कौन देखे, पब्लिक, फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट। ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपकी अब इसमें प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी, तो यहाँ से डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे हम किसी बंदे का स्टेटस चाहते जा रहे हैं या बंदे का स्टेटस मुझे पसंद नहीं है तो उसको हाइड करते थे, लेकिन वो नीचे हाइड के बाद भी दिखाई देता था, मगर अब इस अपडेट में इस एरर को उन्होंने दूर कर दिया है। अगर हम अब हाइड करेंगे तो वो उस बंदे का स्टेटस अब दिखाई नहीं देगा। तो आइए दिखाते हैं कि चलिए इसके लिए भी स्टेटस में चलना होगा। सपोज करिए इस बंदे का मुझे स्टेटस पसंद नहीं है और इसको हमें हाइड करना है, तो इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा कि आप इसको हाइड करना चाहते हैं, यस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से ये बंदे का स्टेटस गायब हो गया। अब नीचे भी आएंगे तो ये दिखाई नहीं देगा, जो कि पहले दिखाई देता था, यहाँ पर बहुत दुधला दिखाई देता था, मगर दिखाई देता था, इस टाइप का दिखाई देता था पहले। अब इसको हम ऊपर कर देंगे तो यहाँ से ये गायब ही हो जाएगा। अगर हमें इस बंदे को दोबारा देखना है तो लॉन्ग प्रेस करके रखना है और अनम्यूट कर देना है, तो ये दोबारा यहाँ पे स्टेटस पे अपीयर हो जाएगा। जो कि मैं समझता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।